नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास और पंचायत को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं श्रावस्ती के भाजपा विधायक रामफेरन पांडे जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए, बजट पेश हुआ है तो इसमें ग्राम पंचायत और किसानों के लिए क्या सौगात दी गई है? ग्राम पंचायत और पिछड़ेपन जितने लोग हैं, हर विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसपे अनोखा बजट उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री के निर्देश में हमारे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया है। यहाँ तक कि जो विपक्ष के लोग डेली सदन नहीं चलने देते थे, वो लोग भी बजट को सराहते हुए और थपथपाने का काम किया है। बहुत अनोखा बजट है, ऐसा भविष्य में न कभी हुआ है और आगे की तो बात आगे होगी। विधायक जी, विधायक, केंद्र की सरकार बनने के बाद सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था विकास के लिए, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है वो ग्राम प्रधान को ठहराया जा रहा है, ऐसा क्यों है? ना, ऐसा ग्राम प्रधान को नहीं ठहराया जा रहा। जो विधायक सांसदों ने गांव गोद लिया था उसमें तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च हुई है। हमारे भी विधानसभा में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद दद्दन मिश्रा हैं, उन्होंने एक गाँव गोद लिया था, उसमें पेयजल की व्यवस्था लेकर के विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, खड़ंजा, नाली निर्माण, अस्पताल, सारी व्यवस्थाएं वहां लॉन्च हुई हैं। पूरी तरीके से हमारे मोदी की सरकार जनता के लिए और गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा निर्णायक काम कर रही है, जो पत्थर की मील साबित हो रहा है। विधायक जी, जैसे कि आपने कहा बहुत से अस्पताल बनवाए गए हैं, लेकिन गाँव में अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ये इसकी क्या वजह है? मैं, साफ सफाई का तो मामला पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और उसके तहत सारे लोग साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो 50 साल का कचरा है वो 2-3 साल में इतना जल्दी साफ होने वाला नहीं है। आज की स्थिति, अभी तो गांव ODF हो रहे हैं शौचालय से, लेकिन उनमें स्थितियां ये हैं कि अभी बहुत से जो शौचालय बनाए गए हैं उसमें लोग आज भी कंडे और लकड़ी रखने का काम कर रहे हैं। इसके लिए जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार कितना भी उसका लाभ दे दे, लेकिन उसके लिए हर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री ने तो कई गांवों को पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। हर विधानसभा में लगभग 40-50% गांव ODF घोषित करके और सिद्ध कर दिया है कि हम गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं। विधायक जी, हम ये पूछ रहे हैं कि अस्पताल तो हैं गाँव में, लेकिन उसमें जो डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं है? नहीं, डॉक्टर की इतनी कमी है कि पहले की जो सरकारें थी उसके बनिस्पत हमारे यहाँ 60% डॉक्टर अधिक बढ़ाए गए हैं। अभी हमारी रात में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से वार्ता हुई, मैं अपने प्रभारी मंत्री नंदी जी के यहाँ बैठा था 12 विधायकों की मीटिंग में, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टरों के लिए मैंने नई भर्ती प्रणाली अपना लिया है। और हम इतना नहीं, वो सभी प्राइवेट नर्सिंग होम को भी अपने स्वास्थ्य विभाग से, अपने अस्पतालों से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं कि अगर कोई उसमें काम करना चाहे तो मैं उनके साथ भी काम करने के लिए तैयार हूं, जिससे जनता की समस्या का निदान हो सके। अच्छा विधायक जी, जैसे आपने कहा कि आपने गांव में खड़ंजे और जो सड़क निर्माण है इसके लिए ईटा मोरंग जो बालू जाता है, जो सामान जा रहा होता है उसके निर्माण के लिए, तो पुलिस पकड़ लेती है, इसके बिना भी आपकी सरकार क्या कर रही है? ना, इस पे सरकार हमारा कड़ाई से कदम उठा रही है। अभी 10 ट्राली जो मिट्टी का मामला था कि परमिशन लेना पड़ता था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दिया है प्रमुख सचिव खनन राज प्रताप सिंह को, आज उनका आदेश भी जारी हो गया है, हम कापी भी ले आए हैं कि 10 ट्राली तक के मिट्टी किसान कहीं भी ले जा सकता है, उसके लिए किसी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, कोई प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। और रही बात खनन की, तो अभी तो उत्तर प्रदेश में 40% खनन का भी ठेका हुआ है, 40% में जितना राजस्व प्रदेश सरकार को मिला है उतना दूसरे सरकार में 100% खनन पे नहीं मिला था। पूरी तरीके से हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए और जनता के और व्यापारियों के हितों के लिए अग्रसर है। और विधायक जी, आपने बताया कि सबको गांव में जो किसान है उनको मतलब बिजली दी जा रही है, तो कई प्रदेशों में ऐसा है कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, कारण यह है कि और प्रदेश छोटे हैं, जितना 2-3-4 प्रदेश अन्य मिला करके होंगे उतना मिला करके अकेले उत्तर प्रदेश है। और जो बिजली की कानून की जो बिगड़ती हुई व्यवस्था थी, अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी तक तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए
तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई योजनाएं जो केंद्र से लॉन्च होती थी उसको केवल सैफई और इटावा में सिमट के रह जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 मार्च 2017 को जब से बनी है, तब से पूरे पारदर्शिता के साथ केंद्र की जितनी योजनाएं हो रही हैं, आ रही हैं, उसको पूरा का पूरा लागू करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और यही नहीं, आपको मैं जीता जागता उदाहरण बता दूं कि 19 मार्च को सरकार का गठन होता है और अगस्त में भीषण बाढ़ उत्तर प्रदेश में आती, जिसमें हमारा श्रावस्ती जिले के करीब 40 गांव डूब गए थे। हमने 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किया 12 अगस्त को और सारी स्थिति बताई, तो उन्होंने तुरंत कॉल बैक करके और हमसे पूछा क्या हो गया है। मैंने सारी स्थिति जब बताया तो कहा मैं आ रहा हूँ और 14 तारीख को श्रावस्ती के लोगों का हाल लेने के लिए हमारे SSB मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे और पूरी पारदर्शिता के साथ जितनी राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी के SSP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटवाने का काम किया है, 16 प्रकार की सामग्री बहुत सी बार है आई, लेकिन सारी सरकारें 10 किलो 5 किलो राशन दे करके उसको ठंडे बस्ते में डाल करके और धन दोहन का काम करती थी, लेकिन ये माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े जितने लोग हैं सबको पूरा का पूरा सहायता देने का काम किया। और यही नहीं, सबसे मजेदार बातें तो ये हैं कि अभी तक तो बाढ़ आती थी तो राशन केवल जो गरीब जनता थी उनको मिलता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जानवरों की भी चिंता किया और जानवरों के लिए भूसा भी बंटवाने का काम इस बार में किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। मैं इसकी जितनी भी सराहना करूं उतना कम नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले अपना संकल्प पत्र लेकर के आई थी उसमें तुरंत बाढ़ के बाद उन्होंने फसली निर्मोचन का कार्यक्रम लगा करके और हमारे यहाँ 42,000 किसानों को 1,00,000 तक के ऋण माफी का सर्टिफिकेट बांटने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और पूरे कैंपस लगा करके तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सबको लाभ देने का काम किया है। इससे प्रमाण होता है अब हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि किस मुद्दे को उछाल करके सरकार को बदनाम करे। हर मुद्दे पर विपक्ष नाकाम होता जा रहा है। हमारे SSB मुख्यमंत्री और SSB प्रधानमंत्री, ये तो उनका साफ कहना है कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का रखवाली करूंगा, पूरी तरीके से उनके मान सम्मान स्वाभिमान की पूरी तरीके से रक्षा करूंगा, पूरे पारदर्शिता के साथ मैं पूरा कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, राशन व्यवस्था, जितनी भी सुविधाएं होती हैं पूरा देने का काम। और उसका जीता जागता उदाहरण है, बजट पेश हुआ उस पर विपक्षी लोग जो शोर मचाते थे, सदन नहीं चलने दे रहे थे, वॉकआउट करते थे, आज जो अपने टेबल पे बैठ करके और अपने हथौड़ियां हाथ थपथपा रहे थे, सराह कर रहे थे कि बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। धन्यवाद। विधायक जी, आपने कहा कि जो आपकी सरकार है किसानों के लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, जो भी आत्महत्याएं की हैं दूसरे सरकारों में की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से कोई किसान आत्महत्या नहीं किया, यहाँ तक कि किसानों का समर्थन मूल्य अन्य सरकारें नहीं दे रही थी, केवल कागजों पर लिखा पढ़ी होकर के और उसका पूरा लेखा जोखा दे दिया जाता था, धरातल पर कहीं कुछ नहीं था। पूरी तरीके से व्यापारी और बिचौलिए उसका मजा लेते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, अभी धान का केंद्र खरीद करके उत्तर प्रदेश में पहला कदम उठाया है, गेहूं खरीद के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से अग्रसर है और जनपद के विभिन्न स्थानों पर, हर जनपद के विभिन्न स्थानों पर किसानों की आवश्यकता देखते हुए धान और गेहूं क्रय केंद्र खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के SSB मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीण जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आपके भाई चैनल तो जो ये है दुनिया का चौथा स्तंभ माना गया है। आपके द्वारा जो मैसेज दिया जाता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और विश्व में, ये आपका चैनल ही एक स्तंभ है, तो इसके जरिए से हमारी जितनी उपलब्धियां होती हैं उसको मैं जनता के बीच से, जो जनता के बीच में ले जाता हूं, तो उसको आप ही लोग उजागर करेंगे कि श्रावस्ती के विधायक ने इतना अच्छा किसानों के लिए काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया, बस्ती के विधायक ने किया, गोरखपुर के विधायक ने किया, तो इससे एक दूसरे विधायकों के बीच में आदान प्रदान भी होते रहते हैं और कार्य करने और सीखने का किसी न किसी बड़े नेताओं से अवसर भी मिल जाता है कि वहाँ ये उद्योग लॉन्च हो रहा है, मेरे यहाँ हो जाता तो अच्छा था।
इस तरीके की। अभी हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारा जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पर अभी हमको कोई चीनी मिल नहीं है। महाराज जी ने कहा आप जमीन उपलब्ध कराइए, चीनी मिल देने का काम मैं करूंगा। और चीनी मिल की बात याद आ गई, अभी तक जितनी सरकारें थी सारी मिलों को बेचने का काम किया है, चार चार पांच पांच साल के पैसे किसानों के अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन जब से कर्मयोगी की सरकार आई है तब से किसानों का मूल्य जो भी गन्ना बेचता है उसको एक माह के अंदर पूरा का पूरा पैसा चीनी मिले देने का काम कर रही है। और जितनी चीनी मिले बनती उसमें अधिकांश चीनी मिले चालू करवाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे श्रावस्ती से भाजपा विधायक राम वेरन पांडे जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बड़ी सूझबूझ के साथ दिए हैं। आगे हम आशा करते हैं कि विधानसभा में ये गांव के विकास को लेकर सवाल उठाते रहेंगे। तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।